Hey, what's up guys? Welcome to another video. तो आज हम बात करने वाले हैं Gear 5 के बारे में। तो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा भाई, हाँ, it is a new era of Gear 5. Gear 5 का एक नया एरा शुरू हो चुका है। अब तुम्हें बस हर जगह में, इंटरनेट के हर जगह में तुम्हें बस Gear 5 देखने वाला है भाई। तो यार ये आज कोई भी एपिसोड रिलीज नहीं हुआ, आज एक इवेंट हो रहा था, मतलब दुनिया भर में भाई इवेंट हो रहे थे भाई इस दिन के लिए। 6 अगस्त के लिए कितने लोग भाई मतलब पागल हो चुके थे भाई। हर अगर तुम भाई इंटरनेट पर कहीं पर दुनिया में घूमोगे ना भाई, तुम्हें बस हर जगह पर बस इवेंट दिखेंगे, फेस्टिवल हो रहा है भाई Gear 5 के लिए। जैसे 6 साल पहले भाई ड्रैगन बॉल जी के, सॉरी ड्रैगन बॉल जी नहीं, ड्रैगन बॉल सुपर में बोकू ने MUI को मास्टर किया था भाई, तब तो भाई इंटरनेट फाड़ दिया था। इस बार भी भाई एकदम सेम इंटरनेट ही फट गया भाई, ख़त्म ही हो गया। सुबह 7:30 बजे इंडिया में भाई एपिसोड रिलीज़ होता है, 11 बजे तक भाई दिख रही, मतलब एपिसोड जो है वो दिख ही नहीं रहा था भाई, मतलब गेटवे इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। मैंने 12 बजे भाई एपिसोड देखा है, वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब कितना कुछ किया भाई एक एपिसोड को देखने के लिए। तो एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले Gear 5 के बारे में बात करेंगे। तो Gear 5 भाई तुम्हें तो पता ही होगा, जो गोमू गोमू नो फ्रूट है उसका अवेकन फॉर्म है, इसमें जो Gear 5 जाता है वहाँ पर भाई सन बॉय मीका बन जाता है, या जॉय बॉय, टाइटल पे जॉय बॉय, क्योंकि हमेशा खुश रहता है और भाई जब लड़ता है कोई भी करता है तो भाई एकदम उसको मतलब अपने आस पास को भाई खुश रखता है। डेविल फ्रूट के बारे में जो 5 वेरियर्स थे उन्होंने भी भाई बहुत कुछ बोला। तो इस फ्रूट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई 800 सालों से ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है इस फ्रूट के पीछे पड़ी है, पर आज तक वो इस फ्रूट को अपने अंडा नहीं ना पाए। वो खुद बोल रहे हैं कि भाई ये लगता है कि ये फ्रूट खुद हमें मतलब हमसे भाग रहा है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर नहीं आना चाहता। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, तो इसका सिंपल से रीज़न है भाई, जो भाई वो एक वो वॉरियर है भाई लिबरेशन का, फ्रीडम का, ये तुम्हें स्ट्रेंथ तो देता है या साथ में फ्रीडम देता है भाई कुछ भी करने का, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस तुम्हारे इमेजिनेशन ही बस तुम्हारा लिमिट है, बस और कुछ भी, अगर तुम कुछ करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो वॉरियर ऑफ लिबरेशन या फ्रीडम भाई के अंडर तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, और तुम्हें तो पता ही है भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट डेमोक्रेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसको भाई एक बंदा चलाता है, पूरे वर्ल्ड को चलाता है, जैसे कि तुमने देखा होगा जो एम्प्टी थ्रोन था उसमें आगे कोई एक मिस्टीरियस सा कोई बैठा था, तो आज तक रिवील नहीं हुआ, और ये इतना ज़्यादा बड़ा था भाई कि जो वो 5 एल्डर्स ने भाई उन्होंने खुद भाई प्रिकॉशन के रूप में लूफी को मारने का ऑर्डर दे दिया, बस प्रिकॉशन के रूप में कि भाई ये बंदा जाके इसको अवेकन करना कर ले। कितनी बड़ी बात है, सोचो ये पावर कितना ज़्यादा ऊपर है भाई, कितना ज़्यादा ऊपर है। इस पावर के बारे में बात कर लेते हैं, एक पावर के बारे में बात करेंगे तो काइडो के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे भाई। काइडो का क्या मजाक बनाया है भाई, क्या ही मजाक बनाया है, मतलब पहले के एपिसोड अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हें भाई काइडो इतना खतरनाक एकदम विलन लग रहा था, और आज के एपिसोड में तुम अगर काइडो को देखो तो भाई क्या चल रहा है भाई, बंदा मजे ले रहा है उसके भाई, क्या ही बताओ। मतलब अगर तुमने भाई वन पीस नहीं देखी है और आज का तुम एपिसोड देखो तो तुम्हें बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी ना, और अगर तुमने वन पीस बहुत पहले से देखी है तुम जानते हो काइडो क्या चीज़ है, और जब तुम इस एपिसोड को देखते हो भाई तुम्हारी हंसी छूट जाएगी भाई काइडो के साथ, मतलब फोन एम्परर भाई मजाक बना के रख दिया इसने। लूफी भी खुद भी बोल रहा होगा भाई फोन एम्परर होगा अपने घर पे, अगर मैंने अवेकन कर दिया ना कुत्ते की तरह मारूंगा। तो एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं, Gear 5 के बारे में ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा कि तुम सब जानते हो भाई क्या चीज़ है। Gear 5 को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वह इसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इस एपिसोड के बारे में बात कर रहे तो हमें वही जैसे कि तुम्हें याद होगा पहले एपिसोड के लास्ट में जो हमारा वो हाथी था बड़ा वाला एलिफेंट, नाम भूल गया मैं, जो कि जॉय बॉय का क्रू का एक मेंबर था, उसने भाई खुद बोला था कि 800 सालों में ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये ड्रम, से आज भी याद है ड्रम साउंड, ये ड्रम साउंड भाई कितने ज़्यादा चिलिंग है भाई, अभी भी रोंगटे खड़े कर देते हैं जब भी सुनता हूँ तो। पर जब उसने वो मोमोनस के क्या नाम है उसका यमोटिया मोमोनस के वो बच्चा और यमोटो को बोला तो उन्होंने भी वो समझ गए भाई किसके बारे में बात हो रही है, अगर जॉय बॉय है तो भाई उनसी लूफी के बारे में बात हो रही है, तो लूफी इक्वल्स टू जॉय बॉय, तो उनको समझ में आएगा कोई जॉय बॉय कोई इंसान नहीं है बल्कि एक टाइटल है, ठीक है टाइटल सब जानते हैं, फालतू में बोल रहा हूँ। लूफी खड़ा हो गया, वो खुद भी बोल रहा है भाई ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे खड़ा हो सकता, मतलब शायद हार गया था,
बस साइड में रखते हैं बंदे को, भाई उसकी जो हार्ट बीट थी वो खुद बोल रहा है भाई इतनी ज़्यादा अजीब है कि उसे खुद ही हंसी आ रही है, और बंदा भाई हंस हंस के लड़ाई करता है, सीरियस नहीं भाई, मजा अच्छा था भाई एकदम। दुनिया की सबसे ज्यादा रिडिकुलस पावर है भाई, कुछ भी कर रहा है बंदा, यार कुछ भी कर रहा है। तो एपिसोड में कुछ बड़े मूवमेंट्स होते थे, तो पहला तो भाई गियर 5 तो भाई सबसे बड़ा मूवमेंट था भाई, एक्टिवेट हुआ है। अभी तो बस एक्टिवेट किया है, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, इसके बाद वाला एपिसोड में असली लड़ाई शुरू होगी। तो यार कवर अप तो यार कवर अप तो ज़रूर करेंगे। तो यार एपिसोड के बीच में मैं अगर याद हो जो प्रिंसेस थी, नाम भूल जाता हूँ यार, एक तो नाम याद नहीं आते, और ये जो वूनो कंट्री आके भाई इसमें तो भाई सबके नाम इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, याद करना मुश्किल हो जाता है, जितने भी एपिसोड देख लो। तो अगर तुम्हें याद होगा तो भाई वो एक अपनी मतलब वो ट्यून बता, ट्यून नहीं एक म्यूज़िक बजाती है, तो वो उसने बोला था कि ये जो म्यूज़िक है उनके फादर ओडिन का भाई एकदम फेवरेट है, तो वो उसका जब से उनके जब से फादर मर गए हैं तब से वो क्या करते हैं मास्क पहन के उस फिर उस गाने को बजाती है, क्योंकि वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन मतलब जो उसकी फीलिंग है जो मुंह में आ रही है, फेस पे आ रही है सॉरी, तो वो दिखाना नहीं चाहती। और इस एपिसोड में गलती से बस वो जो वाला मास्क है वो गलती से नीचे गिर गया, और जो चेहरा था भाई वो सब कुछ बयान कर रहा है भाई, सब कुछ जो अभी तक चला आ रहा है ना भाई, ओडिन का जो अभी तक हिस्ट्री था 20 या 30 साल में सब कुछ बोल दिया भाई एकदम, मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम उसको देखोगे ना तुम्हें एकदम पीछे से फ्लैशबैक आ जाएगा। तो आखिरकार भाई जो शोनन था बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहा था, ठीक है चलो मर गया ख़त्म हो गया, और किसके हाथ से, खुद के ही आदमी के हाथ से, वाह कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं करी भाई। और भाई अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ भाई कि जो अभी एक नया एरा शुरू हो चुका है फिफ्थ गियर का, अब असली वन पीस शुरू हो गया है भाई, अब असली वन पीस शुरू हो गया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्सेस लूसी चल रहा है भाई, अब चलेगा ये। मतलब देखो एक तो भाई काइडो के साथ वहाँ पर लड़ाई हो रही है, ऊपर से भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भाई नेवी भेज दी है, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भाई कि हूनो कंट्री में मतलब एक तो भाई वहाँ पर अगर काइडो मर गया तो कोई नीचे उपस्थित नहीं रहेगा, तो कोई कंट्रोल करने के लिए तो सीधा उन्होंने नेवी भेज दी कि जाओ फोन पर जाकर वहाँ पर कब्जा कर लो भाई, अब शुरू होने वाला है भाई। मतलब अगर तुम्हें क्या लगता है काइडो के साथ लड़ाई ख़त्म होगी तो मतलब इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगा? नहीं भाई आने वाला है भाई, आने वाला है, तो भाई असली वन पीस शुरू होने वाला है, अब भाई तैयार हो जाओ भाई वन पीस के लिए। अब जब भी भाई मैं सच में बता रहा हूँ, जब भी एक एपिसोड आएगा ना मैं हर रविवार को बनाऊँगा, फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्या होगा कि भाई कुछ बोलने के लिए है नहीं। एक पहले तो भाई एकदम क्या हुआ उसको देख के भाई स्पीच देखूँ भाई, मैं क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मेरा आज के लिए बस ठीक है, अगर तुम चैनल में नए होता है सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होता है लाइक मारो, और एक काम भी करो यार कमेंट भी कर दो प्लीज़, वन पीस को लेकर कमेंट कर दो भाई, गियर 5 को लेकर कमेंट कर दो, क्योंकि जो उसका एनिमेशन था ब्रो, एनिमेशन के बारे में तो बात ही नहीं करनी भाई, एनिमेशन मतलब 6 महीने से एनिमेशन के ऊपर काम कर रहे हैं वो, और भाई एनिमेशन तो बेहतर होना ही था। बीच बीच में ऐसा ही लग रहा था भाई कि 40-50 नहीं बल्कि 500-600 फ्रेम पर सेकंड की एनिमेशन किया उन लोगों ने, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ भाई, देख के मज़ा आ गया। तो ओवरऑल भाई बहुत ही अच्छा काम किया, 6 महीने एकदम वर्थ थे भाई, देखने के लिए मज़ा आ गया। तो आज के लिए बस, और कमेंट करके भाई गियर 5 ज़रूर लिखो भाई, गियर 5 ओपी लिखना ही है भाई कमेंट में, तो मैं चाहता हूँ भाई हर कोई लिखे। तो चलो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।